नथिंग इज गुड आर बैड इन दिस वर्ल्ड, थिंकिंग मेक इट सो। ठीक है गाइज, मैं वाणा सिंह और आप लोग का अपने YouTube चैनल कैरी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो अभी आपने जो प्रॉपर सुना, नथिंग इज गुड आर बैड इन दिस वर्ल्ड थिंकिंग मेक इट सो, इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में कोई खराब या अच्छा नहीं होता, आपके जो विचार है, आइडिया, जो सोच है, उसी पर वो डिपेंड करता है। आप जैसा सोचेंगे, जैसा किसी को वैसा डिपेंड होगा, वैसा ही होगा। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो गाइज तो अच्छा ही होगा। अगर किसी चीज को आप बुरी नजर से देख रहे हो, आपका आउटलुक खराब है, तो आपको नजर में खराब ही नजर आएगा। इसलिए ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव थिंकिंग एंड गुड लुकिंग, गुड आउटलुक, ओके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आई कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए इसमें कहानी में क्या है, इसका क्या सीक्रेट है। तो दोस्तों चलिए, एक बार की बात है, जो क्लास चल रहा था, टीचर जो है बच्चों को अपनी पढ़ा रहा था, ठीक है। तो बच्चों को पढ़ा रहा था, ढेर सारे बच्चे थे, तो उसमें एक आदर्श नाम का लड़का भी था, तो और भी तमाम लड़के थे। तो एक लड़का था मोहन, वो बहुत ही सुंदर घड़ी जो है पहन के आया था, ठीक है। तो घड़ी जो पहन के आया, तो मोहन रोज आदर्श उसको रोज देखता था कि यार क्या घड़ी वो पहन के आया है। तो उस घड़ी को देख के उसके मन में लालच आ गया, तो उसने चुराने का प्लान बनाया कि गाइस किसी तरह से इस घड़ी अगर मुझे मिल जाती तो बड़ा मजा आ जाता, बहुत अच्छा लगता। तो प्लानिंग बनाने लगा, लेकिन जो है बच्चों, वो प्लानिंग बनाने में सफल हो गया और उस बच्चे की घड़ी वो लड़का चुरा लेता है, जो आदर्श था चुरा लिया। तो उसके बाद जो दूसरा लड़का था मोहन, वो गुरुजी से आके बोला, गुरुजी मेरी घड़ी तो चोरी हो गई, अब उसको सर्च कीजिए, खोजिए है कहाँ घड़ी। तो गुरुजी ने कहा बच्चों से, सभी बच्चों जिसके पास घड़ी हो, जो भी बच्चा घड़ी चुराया है, लाके मेरे पास सीधे से दे दो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, सिंपली बोल दिया। लेकिन कोई बच्चा बोला तो नहीं, चस्ते मस्त हुआ नहीं। तो गुरुजी समझ गए कि बच्चे देने वाले नहीं है घड़ी इस तरह से। तो गुरुजी ने एक प्लानिंग किया, तो गुरुजी क्या बोले कि जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी लोग आँख को मुन करके दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए, ठीक है। तो सभी बच्चे ने फॉलो किया और सही किया। तो सभी बच्चे दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो गए, आँख मुन करके इस तरह से। अब गुरुजी ने क्या किया, धीरे से जाकर कि सभी बच्चों की जो पॉकेट थी उसमें हाथ डाल करके सर्च किया, खोजा। तो एक एक करके सबका खोज रहे थे। जब उस आदर्श का नंबर आता है, नजदीक में वो आ गया, तो उसका दिल की धड़कने बढ़ गई और वो सोचने, अभी तो हम पकड़ा जाएंगे, अब क्या होगा। उसका दिल की धड़कन बढ़ने लगी, और उसको ये टेंशन होने लगा कि यार अगर हम पकड़ा जाते हैं तो हमारा कितना इंसल्ट होगा, मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तमाम चीजें उसके दिमाग में आने लगी, तमाम बुरे विचार उसके दिमाग में हैमरिंग करने लगे। तो उसने क्या किया, दिल की धड़कन उसकी बढ़ रही है। अब गुरुजी वहां गए, उसके जेब में हाथ डाले और फिर धीरे से घड़ी थी उसकी जेब में और निकाल के रख लिए। और उसके बाद आगे जो बच्चे और भी खड़े थे, उन सबका भी उसने चेक किया। तो लड़के ने ऐसा सोचा कि अब आगे नहीं चेक करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं किया, पूरे बच्चों का चेक किया, सबका ऑब्जर्व किया। तो लास्ट में गुरु जी क्या किए, घड़ी लाकर मेज पर रख दिया और बोले कि ये किसकी घड़ी थी, आ जाओ ले जाओ अपनी। तो बच्चा जिसकी घड़ी थी मोहन का, वो आया अपनी घड़ी लेकर चला गया। तो इस तरह से वो लड़का को बहुत ही दिमाग में क्वेश्चन सुनने लगा, और देखिए उसका इंसल्ट भी नहीं हुआ, कुछ हुआ भी नहीं, घड़ी भी मिल गई कितनी आराम से। तो उस लड़के के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा था, प्रश्न उठ रहा था कि गुरुजी हमको अपमानित क्यों नहीं किए, दंडित क्यों नहीं किए, मुझे मारे क्यों नहीं गए, यही दिमाग में उसके नाच रहा था हमेशा। तो इसी तरह से गुरुजी ने उसको बताया भी नहीं ऐसा क्यों किया, उसने बताया क्यों नहीं, तो मारा भी नहीं, एक्सपोज क्यों नहीं किया गुरुजी। तो ये लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया, बहुत दिन के बाद वो लड़का एक इंजीनियर हो जाता है। तो गुरुजी से एक बार मुलाकात हो गई, तो बच्चा जाता है गुरुजी का पैर छूता है और गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे पहचान रहे हैं? गुरुजी कहे, नहीं बेटा मैं तो तुमको नहीं पहचान रहा हूँ। तो क्या हुआ, तो उसके बाद गुरुजी कहा कि गुरुजी आप हमको पढ़ाए हैं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो गुरुजी कहा, बेटा मुझे ख्याल नहीं आ रहा। तो गुरुजी कहे, वो बच्चा आदर्श बोला, गुरुजी वो दिन याद कीजिए कक्षा 4 में जब मुझे पढ़ा रहे थे, एक घड़ी थी मैंने चोरी की थी, तो वो घड़ी आपने मुझसे लिया, लेकिन आप मुझे वहाँ पर एक्सपोज नहीं किए, खोले भी नहीं, मुझे बताए नहीं कि यही चोर है। तो मेरे दिमाग में यही प्रश्न तब से आज तक उठ रहा है कि आपने वो प्रश्न हमको बताया कि नहीं कि तुम चोर हो, बच्चों के सामने मुझे क्यों एक्सपोज नहीं किया, मेरी बात, मेरे सीक्रेट क्यों नहीं खोला कि मैं चोर हूँ, ऐसा आपने क्यों किया। तो गुरु जी ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया बच्चों, बहुत सुंदर जवाब दिया।
गुरु जी ने क्या कहा कि बेटा मैं जब तुम लोग आंख मूंद कर खड़े थे, बंद करके खड़े थे ना बेटा, तो उसी समय मैं भी अपने आंखें मूंद के ही आपका चेक करा था, तो मुझे कहाँ मालूम कि किसके पास घड़ी है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाया कि आप ही चोर हो। तो देखिए गुरु जी ने कितना अच्छा जवाब दिया, कितना अच्छा किया कि बच्चे की बदनामी भी नहीं हुई। अगर गुरु जी वही क्लास में बच्चे को दंडित किए होते, मारे होते पकड़कर, और वो लड़का फिर बिगड़ जाता और करप्ट हो जाता, भ्रष्ट हो जाता और फिर सुधर नहीं पाता। तो आज के जो टीचर तो अक्सर ऐसा ही करते हैं, दंडित करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। तो आज के समाज के लिए जो है ऐसे अध्यापक की, ऐसे माता पिता की जरूरत है जो बच्चों को अपने सुधार सके, अच्छे राह पर ला सके और उनके वो कुछ बना सके। तो ऐसे समाज को ऐसे टीचर की बहुत जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको पसंद तो जरूर आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो इसके लिए एक लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और आइए जो इंग्लिश में, तो गाइस आप अपने कमेंट को, अपने राय को, अपने विचारों को हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप टीचर के जगह पर होते आप क्या करते, उस बच्चे को इंसल्टेड करते या इसी तरह से करते या कुछ और जुआ लगाते, उसके माँ बाप से मिलते क्या करते, आप अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। हिंदी नहीं समझ सकते आइए उनके लिए मैं इंग्लिश में ही ट्रांसलेट इसको कर देता हूँ ताकि वो लोग भी समझ सकें। तो लेट अस स्टार्ट इन इंग्लिश। वंस अपॉन अ टाइम अ क्लास वाज रनिंग, अ बॉय नेम्ड आदर्स एंड अदर बॉय इज मदन हु इज वेयरिंग ए वेरी ब्यूटीफुल वॉच एंड आदर्स वॉज टेम्प्टेड टू सी दैट वॉच, ही इंटेंडेड टू स्टील द वॉच। At last he was succeed to steal the watch. After some time the teacher asked all the students who stolen the watch and returned to them. The all the students did not speak any words. And so the teacher planned to search the watch. The teacher ordered all the students that all of you stand in a queue in front of wall. The teacher observed and inspected each student, each and every student pocket. And when he coming near the others, he heart beating fast. And he was fear that if I was caught, I was insulted. Such kinds of feeling come in his mind. When the teacher reached to him, he find the watch and further he checked other student. At last Guruji gave that watch Madan, and in this way Guruji provide the watch and was not insulted. After a long time the student become a engineer and he met Guruji and pranam to him. Guru, he asked to Guruji, why did not you expose my student? The Guruji gave very right answer that boy, when all of you close your eyes, shut your eyes, at that time I am also closing my eyes, so I can't see your mistake stolen. So I did not told to anyone. In this way the boy performed himself and become engineer. If Guruji insulted in the class, that was corrupted and all the society should be corrupted. If such kinds of teacher available, so then your student can be good. Okay, so this society need today such kinds of teacher, such kinds of father, such kinds of mother, such kinds of guardian. Okay, right? So let us finish this video in this point. Next video I meet to you next topic. If you like this video, give like and share to your friends. If you are new in my channel, subscribe my channel. Keep on watching my video. Thanks for watching my video. Till then, take care.